दोस्तों मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जो कि आज इंडिया की मार्केट में लॉन्च की गई है। थर्ड जनरेशन गाड़ी है ये। जहाँ तक इसके एक्सटीरियर की बात करें दोस्तों, बूमरैंग शेप्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LED बल्ब लगे हुए हैं इसमें, और ग्लॉसी ब्लैक रेडिएटर ग्रिल दी गई है आगे। और जो इसके दोस्तों जो फॉग के लिए जो इसका ध्यान रखा गया है, इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। और दोस्तों जो इसके क्रोम के जो डोर हैंडल हैं उसमें क्रोम प्लेटेड हैं, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। इससे दोस्तों ये जो गाड़ी है काफ़ी जो इसकी लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नज़र आएगी। जब आप दोस्तों पीछे जाएंगे तो तब भी, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, पीछे से भी दोस्तों इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। शार्क फिन एंटेना दिया गया है और इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स दिए गए हैं इसके इसमें। और जो पीछे है दोस्तों, जो आपको जो चीज़ जो आपको बहुत बढ़िया लगेगी कि इसमें जो आपको रियर क्रोम की गार्निश दी गई है, और जो इसके व्हील्स में दोस्तों डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों, ये देखिए, ये आप इसकी गार्निश देख रहे हैं, ये क्रोम की है। और चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो, गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। दोस्तों ये दो वेरिएंट्स में आती है, पेट्रोल और डीजल। तो टोटल आपको दोस्तों जो इसमें आपको 10 वेरिएंट्स मिलेंगे। जो इसमें इंजन लगा हुआ है 1.2L का पेट्रोल है और 1.2L का ही डीजल का है। टोटल 10 वेरिएंट्स हैं और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 5 लाख से और ये प्राइस जाती है अप टू 8 लाख रुपीज़। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 5 गियर्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों वेरिएंट्स में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और इसमें दोस्तों सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा गया है और काफ़ी इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सॉलिड है इसमें। और जहाँ तक एयरबैग्स की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलेंगे, वो स्टैंडर्ड है इसमें। रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। और इन सब चीज़ों से सबसे बढ़िया बात इसमें है कि फर्स्ट इन सेगमेंट ड्राइवर रियर व्यू और मॉनिटर भी दिया गया है। और इन सब चीज़ों से दोस्तों ये गाड़ी ना केवल अट्रैक्टिव है लेकिन ये सेफ्टी के मामले में भी दोस्तों ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके इंटीरियर में, तो इसकी जो अपहोल्स्ट्री है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है और फुली ऑटोमेटिक इसमें एयर कंडीशनर दिया गया है। तो इसमें जो इसके दोस्तों जो सीट्स के जो इसकी सीट्स हैं उसमें वेवी पैटर्न दिया गया है, ये अभी आप देखेंगे जब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेकर जाऊंगा। तो जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे तो ये काफ़ी आपको दोस्तों एक अच्छा लुक देगी। और इसमें जो दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, बेस्ट इन सेगमेंट है ये। और 5 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर है विद मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। और इन सब चीज़ों से दोस्तों आप चाहे जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप इन आप एंटरटेनमेंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है आर्केमिस का, ये भी दोस्तों एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों ये जो गाड़ी है काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर है और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये कार प्ले और एंड्रॉयड प्ले को सपोर्ट करता है। और इसमें आपको रियर में दोस्तों एसी वेंट भी दिए गए हैं, यूएसबी चार्जर का भी प्रोविज़न दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों ये गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं तो तब भी आपको इसमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको लेग रूम भी काफ़ी सफिशेंट लेग रूम है। और जो हेडरूम का जो स्पेस है वो भी बढ़िया है। जैसा कि मैं आई एम अराउंड 6 फीट टॉल, तो आप बहुत आसानी से, जो लंबा आदमी भी है वो इसमें आसानी से बैठ सकता है, उसका सर नहीं टकराएगा रूफ के साथ। ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। डिफरेंट कलर्स में भी आपको ये मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों जो मेरा इंप्रेशन है इस गाड़ी के बारे में, काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी नज़र आ रही है। प्राइस भी इसका दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव रखा गया है, 5 लाख से स्टार्ट होती है, गोज़ अप टू 8 लाख रुपीज़। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक अच्छी गाड़ी हुंडई आज लेकर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।